नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। केंद्र सरकार CDS और NSA के तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी CIO का एक नया पद क्रिएट कर सकती है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जैसे देश के अंदर तीनों सेवाएं CDS को और दो खुफिया एजेंसियां NSA को रिपोर्ट करती है, ठीक उसी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के प्रमुख CIO को रिपोर्ट करेंगे। सूचना मिल रही थी कि ED और CBI की जांच के क्षेत्रों में काफी ओवरलैप है, जिसके बाद सरकार ने अब यह फैसला किया है कि जिस तरह CDS और NSA कार्य करती है, ठीक उसी तरह अब CBI और ED के लिए एक अलग पद क्रिएट किया जाएगा, जिसका नाम CIO होगा। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि ED मुख्य तौर पर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में जांच करती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल है, लेकिन CBI भ्रष्टाचार और अन्य सभी तरह से आर्थिक अपराधों के मामलों की छानबीन करती है। ऐसे में कभी कभी इनके बीच ओवरलैप देखने को मिल जाता है, इसलिए अब इनके बीच बेहतर सामंजस्य हो सके इसको लेकर केंद्र सरकार नया पद क्रिएट करेगी, जिसका नाम CIO रखा जाएगा। इनके जरिए दोनों एजेंसियों का नेतृत्व करने वाले के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा। मिली जानकारी के अनुसार नया पद भारत सरकार के सचिव रैंक का होगा। इसको लेकर फिलहाल जो नाम आगे किया जा रहा है उसमें निवर्तमान ED प्रमुख संजय कुमार मिश्रा है। मिश्रा को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक ED प्रमुख के रूप में बने रहने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार द्वारा उन्हें दिए गए एक एक साल के दो एक्सटेंशन को अवैध करार दिया था। हालांकि कोर्ट ने राष्ट्रीय हित में 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की चल रही समीक्षा के कारण उनके पद पर बने रहने का अनुरोध किया था, जिसमें कुछ पड़ोसी देश चाहते थे कि भारत को इसमें शामिल किया जाए। आपको बताते चलें कि CIO का पद 15 सितंबर को मिश्रा के कार्यालय छोड़ने से पहले बनाया जा सकता है। ED केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करना जारी रखेगा और CBI कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करती रहेगी। हालांकि दोनों एजेंसियों का परिचालन पर्यवेक्षण CIO को हस्तांतरित किया जाएगा, जो बदले में प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करेगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।